एलिजाबेथ एक नई दुल्हन, उसके पति डॉक्टर हेनरी क्लेनबर्ग द्वारा उसकी शादी के दिन घर लाया जाता है। हेनरी का घर महलनुमा है और वहाँ केवल दो अन्य लोग रहते हैं, हाउसकीपर क्लेयर और हेनरी का वयस्क बेटा ओलिवर जो अंधा है। हेनरी घर के चारों ओर एलिजाबेथ को दिखाता है, उसे बताता है कि वे तहखाने में स्थित एक को छोड़कर किसी भी कमरे में प्रवेश कर सकती है। हेनरी के हर दिन काम पर जाने के बाद एलिजाबेथ को उसके अपने उपकरणों पर छोड़ दिया जाता है। प्रारंभ में उसके नए कपड़े और आभूषण और उसके नए घर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न विलासिताएं उसका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन अंततः उसकी जिज्ञासा उससे बेहतर हो जाती है और वह निषिद्ध कमरे की खोज करती है जहां उसे खुद के क्लोन मिलते हैं। वह घबराकर कमरे से बाहर भागती है और दरवाजा खुला छोड़ देती है। जब हेनरी वापस आता है तो उसे जल्दी से उसके धोखे का पता चलता है और एलिजाबेथ की बेरहमी से हत्या कर देता है। क्लेयर और ओलिवर मैदान में एक उथली कब्र में उसकी लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करते हैं। 6 हफ्ते बाद एक और एलिजाबेथ हेनरी के साथ उनकी शादी के बाद घर की यात्रा कर रही है। ठीक पहले की तरह नई एलिजाबेथ उन्हीं अनुभवों से गुजरती है, क्लोनों के साथ कमरे की खोज भी करती है, सिवाय इसके कि वे हेनरी को मारने से पहले उसे मारने का प्रबंधन करती है। जब ओलिवर और क्लेयर को पता चलता है कि क्या हुआ है और हेनरी मर चुका है, क्लेयर को दिल का दौरा पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। ओलिवर एलिजाबेथ को कैद कर लेता है और उसे क्लेयर की पत्रिका पढ़ने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि वे उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह नहीं करती। पत्रिका से पता चलता है कि असली एलिजाबेथ हेनरी की पत्नी थी, लेकिन वह एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति से मर गई। अपने नुकसान को सहन करने में असमर्थ हेनरी ने एलिजाबेथ के क्लोन बनाने का फैसला किया और क्लोन को सही करने में मदद करने के लिए क्लेयर एक जीव विज्ञानी को काम पर रखा। प्रारंभिक प्रयास निष्फल रहे, लेकिन अंततः वे सफल हुए। पत्रिका से ये पता चला है कि हेनरी और क्लेयर ने कुल 6 क्लोनों को जगाया है, जिसमें वर्तमान एलिजाबेथ भी शामिल है जो फिट एलिजाबेथ है। पत्रिका क्लेयर के संदेह को भी प्रकट करती है कि ओलिवर वास्तव में हेनरी का एक क्लोन है, जिसके रहस्य उद्घाटन के साथ उसने हेनरी का सामना किया और उसने इनकार नहीं किया। जब एलिजाबेथ ओलिवर को यह बताती है तो वह कहता है कि हेनरी ने उसे एक बच्चे के रूप में ईर्ष्या से अंधा कर दिया था। ओलिवर की एक बच्चे के क्लोन के साथ बढ़ती दोस्ती को पसंद नहीं करने के बाद और ओलिवर द्वारा उनमें से एक के साथ छेड़छाड़ करने के लिए हेनरी का सामना करने के बाद एलिजाबेथ ओलिवर पर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक नया 6वां और अंतिम एलिजाबेथ क्लोन दिखाई देता है, एक राइफल पकड़े हुए। भ्रमित और विचलित नया क्लोन ओलिवर को गोली मारता है और मारता है। एलिजाबेथ भी नए क्लोन से गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन मरने से पहले वह क्लोन को क्लेयर की पत्रिका पढ़ने के लिए कहती है। नई और अंतिम एलिजाबेथ उस पत्रिका को पढ़ती है जो बताती है कि हेनरी और क्लेयर शुरू में कैसे मिले और क्लोनिंग प्रयोगों पर एक साथ उनके काम का विवरण दिया। इस समय उनके बीच एक संक्षिप्त अंतरंग संबंध था, लेकिन बाद में क्लेयर ने पाया कि हेनरी उनकी हत्या करने से पहले प्रत्येक नए क्लोन एलिजाबेथ के साथ अपनी शादी की रात को फिर से जीना चाहते थे। इसने क्लेयर को डरा दिया। अपने दिल के दौरे से उबरने के बाद क्लेयर अस्पताल से घर लौट आती है। नवीनतम एलिजाबेथ क्लोन उसे पत्रिका देता है और क्लेयर को अपने शोध को बेहतर उपयोग में लाने के लिए कहता है। फिर नई एलिजाबेथ अपने दम पर जीवन शुरू करने के लिए निकल जाती है।